एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। उनकी बहू संध्या सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। पड़ोस में रहने वाली शोभा की आदत थी, जब भी संध्या भोजन बनाकर हटती तो वो उससे जरूर पूछती, संध्या बड़ी देर से रसोई में लगी हुई थी, आज खाने में क्या क्या बनाया, खाया है? आज तो बस ठंडा बासी ही खाया है। संध्या शोभा को रोजाना यही उत्तर देती। संध्या का पति सूरज रोजाना उसे ऐसा कहते देखता था। तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। कुछ देर बाद पड़ोसन शोभा फिर आई। आज तो हम सब ने पकवान खाए हैं, देखो आज संध्या क्या कहती है। आज भी पड़ोसन शोभा ने संध्या से पूछा तो आज भी उसने कहा कि ठंडो बासी खाया है। सूरज सोच में कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। पड़ोसन के जाने के बाद उसने पत्नी से पूछा, संध्या पड़ोसन शोभा से तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे और हमेशा खाते हैं। हम जो खा रहे हैं वो बाप बूढ़ों की कमाई है, जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। संध्या की ये बात सूरज के मन में घर कर गई और एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। बेटा अपने पास इतना धन है, हमारा इतना पुश्तैनी कारोबार है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू कमाने जाना चाहता है? माँ मैंने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पिताजी और दादाजी की तरह मेहनत करके धन कमाऊं, इसलिए मुझे मत रोको माँ। सूरज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था इसलिए वो अपने माता पिता को समझा कर जाने लगा। जाते समय वो संध्या से बोला, संध्या मैं जब तक बहुत सा धन कमा कर लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। इतना कहकर सूरज चला गया। संध्या लकड़ियों को डालकर चूल्हे की आग को जलने देती थी। एक सुबह जब संध्या सोकर उठी उसने देखा कि अचानक चूल्हे की आग बुझ गई, तो संध्या मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा, घर में लकड़ियां भी नहीं है और बाबूजी भी किसी काम से गए हैं, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके संध्या पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन शोभा चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। संध्या अभी थोड़ी देर में आकर ले जाना, अभी बस थोड़ी देर में मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें चूल्हे की लकड़ी दे दूंगी। शोभा आज कौन सा व्रत है? तुम्हें नहीं पता आज चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, चौथ माता हर संकट से हमारे सुहाग की रक्षा करती है। शोभा मैंने इस व्रत को कभी नहीं रखा, क्या तुम इस व्रत को रखने की विधि मुझे बताओगी? हाँ जरूर। संध्या ने भी उस दिन चौथ माता का व्रत किया। शोभा के कहे अनुसार दीवार पर चौथ माता बनाई, उनसे अपने पति की सलामती के लिए पूजा प्रार्थना की। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। हे चौथ माता मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरे पति सकुशल घर लौटाए बस यही मनोकामना है। मैंने सुना है चौथ माता जो भी आपका व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करता है आप उसके मन की मुराद अवश्य पूरी करती हो, मेरी मुराद पूरी कर दो माँ, मेरे पति को वापस भेज दो। संध्या की प्रार्थना चौथ माता तक पहुँचती है और वो सूरज को सपने में दर्शन देती है। बेटा सूरज उठो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। माँ मेरा अभी हिसाब किताब बहुत करना बाकी है। तुम चिंता मत करो, कल शाम होने से पहले तुम्हारा सारा हिसाब किताब निपट जाएगा, बस तुम जाने की तैयारी करो। इतना कहते ही चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई और ऐसा ही हुआ। शाम होने तक सूरज ने सारा हिसाब किताब निपटा कर तैयारी की और कमाया हुआ धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया। वो सूरज से बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। चौथ माता की आज्ञा से मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर वापस लौट आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे मार देना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। सूरज ने सर्प को वचन दिया और अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला पर उसका ध्यान अभी भी उसी तरफ था, इसलिए वो उदास था। संध्या ने चिंता का कारण पूछा तो सूरज ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, संध्या यदि मैं उस नाग के पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। आप घबराओ नहीं, आप आराम से सो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और मुझे चौथ माता पर विश्वास है कि वो मेरे सुहाग की सदैव रक्षा करेंगी।
संध्या के कहने पर सूरज सो गया। संध्या का कमरा छत पर था जिस पर 7 सीढ़ियां थी। संध्या ने चतुराई से पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब का फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। वो पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया। ये सब आराम के साधन देखकर भी मैं नहीं बदलूंगा। मैं वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। हे यमराज, रुकिए। मैंने संध्या को सदा सुहागिन रहने का वरदान दिया है, इसलिए आप उसके पति को नहीं ले जा सकते। मैं भी अपने वचन से बंधी हुई हूँ। जो सुहागिन स्त्री मेरा व्रत करती है, मैं उसे सदा सुहागिन रहने का वरदान देती हूँ। यदि मेरा वरदान झूठा होगा और आपने संध्या के पति के प्राण हर लिए, तो संसार में धर्म कर्म और इस चौथ व्रत पूजन को कौन मानेगा। इतनी देर में गणेश जी और चंद्रमा जी भी प्रकट हो गए और उन्होंने भी चौथ माता के साथ संध्या को सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। इस पर यमराज जी बोले, हे चौथ मैया, हे गणेश भगवान, हे चंद्रदेव, जब आप तीनों ने संध्या को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान कर ही दिया है, तो मैं भूल कर भी उसके पति का प्राण नहीं ले सकता। हे चौथ माता, आपके व्रत और पूजन करने वाली सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदैव अमर रहेगा। उनके पति को कोई भी संकट नहीं छू पाएगा। ये आज आपने सिद्ध कर दिया। जय चौथ माता की। इतना कहते ही सभी देवी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर सूरज ने देखा कि उस पर आया संकट टल चुका था। सबने मिलकर चौथ माता को धन्यवाद किया। संध्या के सास ससुर भी अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देते हैं।